Welcome to this channel. Here is Aamna with you, and in this video we'll try and understand about the enzymes, its mode of action, more specifically. So without further ado, let's dive into deep. Okay, so if we talk about the mode of action, so there are certain theories which are passed by the scientists. So the pehli theory hamare book mein likhi gayi hai wo hai Fisher ki, जो कि उसने कहा था कि एंजाइम एक की और लॉक की तरह काम करते हैं. तो उसने उसी थ्योरी का नाम की एंड लॉक थ्योरी रखा, जो कि बाद में इम्प्रूव की गई थी पॉल फिल्डर ने और डीडी वुड्स के ज़रिए. तो इस थ्योरी में था ये की एंड लॉक थ्योरी में कि पर्टिकुलर एंजाइम एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट. जैसे एक मखसूस चाबी होती है एक लॉक के लिए, इसी तरीके से एक मखसूस सबस्ट्रेट होता है एक एंजाइम के लिए बाइंड करने के लिए, फिर ही वो केमिकल रिएक्शन हो पाता है. ठीक है, तो इसका मतलब ये था जैसे कि यहाँ पर जो एक्टिव साइट अगर लॉक का है, की का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी डिफरेंट होता है हर की का, इसी तरीके से मतलब एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट हर एक की जो है स्ट्रक्चर मिलती जुलती है, तभी वो आपस में मिल पाते हैं. राइट, मगर इसके अलावा कॉशलैंड जिसको हम कहते हैं, 1959 में उसने ये कहा कि उसने उस थ्योरी को रद्द करते हुए उसने दूसरी अपनी थ्योरी दी, उसको नाम दिया इंड्यूस्ड फिट मॉडल. इंड्यूस्ड फिट मॉडल में होता यह है कि जब भी सबस्ट्रेट कंबाइन होता है, साथ मिलता है एंजाइम के साथ, तो सबस्ट्रेट ही वो चेंजेस लाता है एंजाइम के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, ताकि वो उसमें ईजिली फिट आ सके. राइट, तो इसके ज़रिए एंजाइम जो है अपनी कैटालाइटिक एक्टिविटी बहुत आसान तरीके से परफॉर्म कर सकता है. राइट, अब यहाँ पे देखें एंजाइम का स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, सबस्ट्रेट का डिफरेंट है. तो यहाँ पर जैसे ही वो अटैच होते हैं तो वो ऐसी चेंजिंग लाते हैं सबस्ट्रेट के अंदर, एंजाइम के अंदर, ताकि वो फिट आ सके. और यहाँ पर आप देखेंगे कि फिट आ गए हैं और यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट भी बन चुकी है. राइट, माइक्रो मॉलिक्यूल से हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल आपस में बन चुके हैं. तो ये था हमारा मोड ऑफ एक्शन के बारे में. हमारे पास दो ही थ्योरी लिखी गई हैं, एक थ्योरी है हमारे पास फिशर की, एक थ्योरी हमारे पास उसकी है कॉशलैंड की. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस.